हेलो स्टूडेंट्स आज हम ई की वर्कशीट फर्स्ट सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम राइट करना है क्लास थर्ड डेट वन एट ट्वेंटी ट्वेंटी ओके इसमें एक्सरसाइज ए है फिल इन द बैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बुक्स आपको यहाँ पे हेल्प बुक्स दिया गया है मैटरनल पैटर्नल जनरेशन सिमिलिटीज एंड जनरेशन अब आपको क्या करना है इसमें फर्स्ट रिलेटि रिलेटेड टू फादर्स आर कॉल्ड आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं हेल्प बॉक्स दे रखा है अब जो फादर से रिलेटेड रिलेटिव्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो इसमें अपन को फील करना है पैटर्नल ओके okay? तो ये क्या बना रिलेटिव रिलेटेड टू फादर्स आर कॉल्ड पैटर्नल नेक्स्ट रिलेटिव रिलेटेड टू मदर्स आर कॉल्ड जो मदर्स रिलेटेड होते हैं वो मैटरनल ओके थर्ड है फैमिली मेंबर्स हु आर रिलेटेड बाय ब्लड हैव फ्यू इसमें क्या आएगा सिमिलिटीज ओके तो ये बना फैमिली मेंबर्स हु आर रिलेटेड बाय ब्लड हैव फ्यू सिमिलिटीज फोर्थ है फैमिली डिसेंबल्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ओके तो ये हुई एक्सरसाइज ए नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली ये वर्कशीट आपको इसी में ही राइट डाउन करनी answers short है इसलिए मैंने आंसर शोट करवाए हैं ओके तो आंसर जॉइंट फैमिली आर बिग फैमिली बट न्यूक्लियर फैमिली आर स्मॉल फैमिली ओके अगेन आई रिपीट जॉइंट फैमिली आर बिग फैमिली बट न्यूक्लियर फैमिली आर स्मॉल फैमिली नेक्स्ट वाट आर सिंगल पेरेंट फैमिली आंसर इन सच फैमिली ओनली वन पेरेंट and his her children live together again i repeat in such family only one parent and his her children live together third what do you mean by resembles in families answer such families have similar looks talents hobbies or habits okay again i repeat such families have similar looks टैलेंट्स होबीज और हैबिट्स को इसमें सी है कलेक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट योर फादर मदर एंड ब्रदर और सिस्टर एंड कंप्लीट द टेबल इसमें क्या करना है एक तरफ यहाँ पे ऊपर फादर या मदर इधर सिस्टर और इधर ब्रदर इनके नेम राइट डाउन करने और इधर उनका कौन सा फेवरेट फूड है और इधर उनका फेवरेट कलर ये बताना है आपको ओके तो पहले फादर फिर मदर फिर सिस्टर और फिर ब्रदर तो उनका फेवरेट फूड कौन सा है और फेवरेट कलर कौन सा है ये आप उनसे डिस्कस करके यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं तो ये वर्कशीट आपको इसी में फील करनी है थैंक्स